खरगोन जिले की रायबीरपुरा गांव की दो छात्रा के इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता में इतिहास रचने के बाद अपने गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इटली में गोल्ड मेडल जीतने वाली कल्पना गुर्जर और रजत मेडल जीतने वाली विद्या पटेल का गृह गांव रायबीरपुरा पहुंचने पर बैलगाड़ी पर गांव में जुलूस निकाला गया। गांव में खुशी का माहौल था। जुलूस के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने तिलक लगाकर आरती उतारी और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे देश में गांव का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रही हैं गांव में जब आप पहुंची हैं? हम लोगों ने मेडल जीता है तो गांव में बहुत ज़्यादा खुशी है और गांव में हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वहाँ के अनुभवों को, इटली के अनुभव को लेकर? इटली में तो इस बार हम लोग पूरी तैयारी से गए थे और जीत के आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ खेल के और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और आगे खेलने के लिए। गांव में आज ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, आपने कमाल कर दिया, गोल्ड मेडल जीत के आई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गर्व की बात है कि मैं गोल्ड मेडल जीत के आई और गांव में बहुत अच्छे से हम लोगों का सेलिब्रेशन किया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि गांव में इतने अच्छे से हम लोगों का सेलिब्रेशन होगा, तो मैं गांव वालों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि हम लोगों को इतना सम्मान दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सम्मान मिलेगा हम लोगों को। गोल्ड मेडल आपने जीता है, क्या उम्मीद थी आपको? हाँ, इस बार हम ठान के गए थे कि मेडल तो लेके ही आएंगे, तो थोड़ा बुरा लगा था हम लोगों को सिल्वर मिला, पर अच्छा लगा कि इंडिया के लिए कुछ भी हम लोग मेडल लेके आए और ये फर्स्ट टाइम था इंडिया में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।